हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6। सो आप देख रहे हो मौसम कितना प्यारा लग रहा है, कितने अच्छे लग रहे हैं। एंड आप सोच रहे होगे मैं इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ। सो मैं जा रही हूँ अपने घर की सफाई करने। सो हमें अपने न्यू फ्लैट का गृह प्रवेश करना है। सो हमें उसी फ्लैट की सफाई करनी है। सो हम लोग निकल चुके हैं अपने घर की सफाई के लिए। सो हम पहुंच चुके हैं अपने फ्लैट में। एंड आप देख सकते हो कि ये कितना गंदा हो पड़ा है। देखो ज़रा कितना गंदा होया पड़ा है। एक्चुअली ये फ़्लैट 6 महीने से बंद है। हम लोगों ने ये फ़्लैट नवंबर में ही परचेज किया था, बट उस टाइम मुहूर्त नहीं था। एंड उसके बाद जब मुहूर्त हुआ तो लॉकडाउन हो गया। तो ये प्रॉपर 6 महीने से बंद है, इसलिए इसकी हालत ऐसी हो रखी है। तो बिना सफाई किए इसका तो काम चलने ही नहीं वाला। लग गए हैं सफाई अभियान में, आप देख सकते हो पूरे जोरों शोरों से। एंड मैंने चुपके से अपने हस्बैंड की भी एक छोटी सी क्लिप बना ली थी। अब देख रहे हो ये भी एकदम सूट बूट पहन के अच्छे से झाड़ू मार रहे हैं। इन्हें पता चला तो मेरे को डांट भी पड़ जाएगी, बोलेंगे तुमको ऐसी ही मिली थी दिखाने को। ये है हमारी सफाई होने के बाद की घर। आप देख सकते हो कितनी अच्छे से चमक रही है हमारा जो ये घर है। हे गाइस, तो हमारी साफ सफाई अच्छे से हो गई है पूरी कंप्लीट। एंड बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा गंदा था, बहुत ज़्यादा ही गंदा था। हम सुबह 7 बजे ही निकले थे एंड हमें वापस आने में 11:30 बज गया था। मतलब 11:30 बज गया था। हमें इतना वक्त लगा, 2 बार 3 बार झाड़ू, 2 बार 3 बार पोछा मारा तब जाके तक साफ हुआ है। तो हवा टाइट हो गई है सफाई करते करते। एंड मैं आई हूँ, नहा धो ली हूँ अच्छे से। एंड अब मैं खा रही हूँ ये मिल्यानो, मुझे बहुत पसंद है ये वाला, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं खा रही हूँ। एंड सो अब थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे राशन लेने के लिए। सो मिलती हूँ मैं आपसे रास्ते में। बाय गाइस। हम जा रहे हैं मार्केट अपना राशन का सामान लाने अपने घर के लिए। सो आप देख सकते हो मैंने हेलमेट, मैंने अपने फेस को अच्छे से कवर किया है एंड मैंने अंदर मास्क भी लगाया हुआ है। सो आप प्रॉपर ध्यान रखें। सो चलिए हमारे साथ शॉपिंग करने। सो गाइज, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है हमें, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पंडित जी आ चुके हैं हमारे फ्लैट पे और अभी तक हम लोग तैयार भी नहीं हुए हैं। सो मैं फटाफट से जा रही हूँ तैयार होने एंड मैं आपको तैयार होकर मिलती हूँ अपने फ्लैट पे। सो स्टे ट्यून्ड।
सो गाइज हम आ चुके हैं अपने फ्लैट पे एंड पूजा बस स्टार्ट होने वाली है। एंड मैं बस सिंपल सा ही तैयार हुई क्योंकि शाम का पूजा है एंड इवन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो मन भी नहीं करता ज़्यादा कुछ करने का। सो मैं आपको दिखाती हूँ एंड मैं आपको सबसे मिलवाती भी हूँ क्योंकि मैं इतने दिनों बाद यहाँ आई हूँ, मैं सबसे मिली हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। मेरी सासू माँ तो इतनी खुश हुई है मुझे देख के, इतनी ज़्यादा खुशी है मैं क्या बताऊँ। सो एंड हम लोग एक्साइटेड भी बहुत हैं, कल हम लोग अच्छे से शिफ्ट कर जाएंगे। आज हम लोग एक भी सामान यहाँ लेके नहीं आए हैं क्योंकि पूजा होने के बाद ही सारे सामान वगैरह हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। आज बस सारा सामान हम लोगों ने अरेंज कर लिया है, तो अच्छे से सब कुछ शिफ्ट करेंगे हम कल एंड कल मॉर्निंग तक पूजा भी हो जाएगी। हम लोग ब्राह्मण को, कन्या को, सबको खिलाना वाना सब हम लोग कल कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग शिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। सो चलिए देखते हैं कि पूजा वूजा कैसे हो रही है। सो अभी तो पूजा की तैयारी चल रही है, पर आपको आवाज़ आ रही होगी पंडित जी की, मम्मी लोगों की, मम्मी लोग बात कर रही है, सुसी की आवाज़ आ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी सब तैयारी चल रही है। सो पूजा की तैयारी स्टार्ट हो गई है, पंडित जी सारे जो सामान सामग्री होती है वो अरेंज कर रहे हैं अच्छे से। एंड ये जो पंडित जी है ये बहुत अच्छे हैं, आगे आप देखोगे मतलब ये पूजा करवाते हैं ना तो ये सारी चीज़ें इतने अच्छे से समझाते हैं, क्या चीज़ क्यों करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, हर एक चीज़ की मीनिंग बताते हैं। बहुत अच्छे पंडित जी हैं ये। एंड मैं आपको दिखाऊंगी आगे इनकी एक क्लिप, ये कितने अच्छे से समझा रहे हैं आप देखना। तो ये क्या है, भगवान अपने जो है दीपक देवता और ये वरुण जी दोनों जब तक अपने स्थिर तरीके से विराजमान रहेंगे जब तक अपन यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो आपको मन में ऐसा भाव करके कि अगर भगवान के सामने न्याय मांग रहे हैं तो और सबसे पहले वरुण देवता की पूजा, उसके बाद दीपक देवता की पूजा आपको करनी है। सो यहाँ पे हो रही है गणेश जी की पूजा। ये जो गणेश जी हैं ये हमारे घर के जो मेन गेट होगा उसी के ऊपर एक छोटी सी मंदिर बनेगी, ये वहीं पे स्थापित होंगे। सो ये इन्हीं की पूजा हो रही है। सो अब हो रही है ये कन्या की पूजा क्योंकि कन्या जो होती है वो माँ दुर्गा की अवतार होती है। सो आज है 15th जून। सो हमारी 14th जून की शाम की पूजा अच्छे से हो गई थी। सो मैं बहुत थक गई थी इसलिए मैंने कंटिन्यू नहीं किया था, बट अच्छे से हमारी पूजा हो गई थी। एंड जो गाइज हमारे पंडित जी हैं ना वो इतने अच्छे हैं, वो इतने अच्छे से पूजा वूजा समझाते हैं ना कि ऐसा लगता है ना कि आप रियली गॉड से कनेक्टेड हो गए हो। बहुत अच्छे पंडित जी हैं। सो बस हमारी आज की पूजा भी अच्छे से हो जाए एंड हम गृह प्रवेश कर जाए, बस दैट्स इट। सो हमारी आज की गृह प्रवेश की मुहूर्त है 7:15 में, हमें इन कर जाना है घर के अंदर एंड अभी बज रहे हैं प्रॉपर 6:30। सो हमें जल्दी से तैयार होना है और जल्दी से जाना है क्योंकि इसमें हम लोग लेट नहीं कर सकते क्योंकि मुहूर्त में ही हमें घर में इन करना है। तो जल्दी से मैं फ्रेश फ्रेश होके नहा धोके तैयार होके आपको मिलती हूँ गाय।
सो तब तक के लिए बाय। हाय एवरीवन, सो हम लोग तैयार हो चुके हैं एंड सारे लोग जा चुके हैं, बस मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे। मम्मी पापा सब लोग जा चुके हैं एंड आप देख सकते हो मैंने बहुत ही सिंपल सी साड़ी पहन रखी है। सो क्योंकि यार गर्मी बहुत है एंड आज मुझे खाने वाने भी बनाने हैं भोग के लिए एंड कन्या एंड ब्राह्मण को जो जिमाना है उसके लिए। सो इसलिए मैंने हैवी साड़ी नहीं पहनी क्योंकि हैवी साड़ी में बहुत गर्मी लगती है गाइज एंड जयपुर में बहुत गर्मी है, बिहार के कंपेरिजन में जयपुर में ज़्यादा गर्मी है। सो इसलिए और मुझे ना क्या स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उससे क्या बॉडी स्मेलिंग फिर होने लगती है, तो मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने सिंपल सी साड़ी पहनी है एंड घर का सिंपल सा पूजा है, ज़्यादा लोग आ नहीं एंड घर का सिंपल सा पूजा है ज़्यादा लोग आ नहीं रहे हैं तो फिर इतना ताम, तो इसलिए मैंने इतना कुछ दिमाग नहीं लगाया। सो अब हम जाएंगे एंड तो वहाँ चल के मैं आपको दिखाऊंगी गृह प्रवेश का पूजा एंड मेरी चूड़ी आपको कैसी लग रही है आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सो यहाँ पे हो रही है जल की पूजा। सो आपने देखा होगा हर चीज़ की पूजा होती है, अग्नि की, जल की, हर एक चीज़ की पूजा होती है। जब गृह प्रवेश की पूजा होती है तो हर चीज़ को आमंत्रित करने के लिए उन सब की पूजा होती है एंड मैं आपके साथ पूरे गृह प्रवेश की पूजा नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि मैं भी कहीं कहीं पे पूजा में बैठी हुई थी, इस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिला। तो जहाँ पे मैं नहीं पूजा में थी तो वहाँ मैंने शूट कर लिया था बट कहीं कहीं पे नहीं। सो आज क्या मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी थी तो इसलिए पंडित जी ने जय माला करवा दी थी। सो बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को एंड यहाँ पे दूध उफनने की जो रस्म होती है वो हो रही है। तो दूध उफन गया एंड चूल्हे पे भी गिर गया एंड मैं लग चुकी हूँ अब किचन में, खाना वाना बनाने की तैयारी चल रही है यहाँ पे। सो मैंने खाने में बनाया है आलू की सब्जी एंड दाल बाटी चूरमा एंड पूरी बनाई थी मैंने, भोग में खीर बनी थी। सो या बनाया था मैंने ये चीज़ें। एंड जब आप अपने किचन में जब आते हो ना, जब आपको ऐसा फील होता है कि हाँ ये अब मेरा है, तो आपकी एक्साइटमेंट और आपकी काम करने की जो इंटरेस्ट होती है ना वो और बढ़ जाती है। सो मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा था नए नए किचन में काम करने में। बाद में तो फिर मन थोड़ा सा हो ही जाता है, फिर तो काम काम जैसा ही लगता है, बट स्टार्टिंग में क्या लगता है ऐसे इंटरेस्टिंग सा लगता है यार, एक्साइटमेंट सा रहता है। सो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था करने में। तो ये हमारा खाना बनके तैयार है, आप देख सकते हो पूरी है, चूरमा है, आलू की सब्जी है, दाल है, बाटी है एंड ये मिर्ची है। हे गाइस, तो हमारा सारा काम अच्छे से हो गया, पूजा वूजा सबका, खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया एंड बहुत सारे काम थे इसलिए मैंने बीच में महसूस नहीं कर पाई एंड आप मेरी हालत देख सकते हो, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरी एकदम हवा मेरी टाइट हो चुकी है थक के। तो अब मैंने सोचा कि ब्लॉग को एंड कर लूँ, बहुत लंबा हो जाएगा वरना, तो और रात भी हो चुकी है तो इसलिए मैं सोच रही ब्लॉग को एंड कर लूँ। गाइस ये जो ब्लॉग है ये एक दो दिन बाद जाएगा क्योंकि घर का थोड़ा काम बहुत सारा है अभी हम लोगों ने सेट किया है, तो मुझे एडिट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं एक दो दिन बाद इसे अपलोड करूँगी। एंड अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और चाहते हो कि मैं ऐसे ब्लॉग और शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं एंड अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दें। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट वीडियो होगा एक मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो। सो तब तक के लिए बाय गाइज़।